हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, आर्क ऑफ इंडिया टाइज विद इसराइल, तो इंडिया और इसराइल का क्या टाई है। तो चलिए देखते हैं क्या दोनों के बीच में रिलेशन है। आईआर के वजह से, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक की वजह से, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाइल इंडिया वॉज वन ऑफ द लास्ट नॉन मुस्लिम स्टेट्स टू रिकोगनाइज इसराइल, इट बिकेम द फर्स्ट नॉन अरब स्टेट टू रिकोगनाइज द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर, द बैलेंस ऑफ टाइज शिफ्टेड इन द 1990s। तो देखते हैं क्या बैलेंस ऑफ टाइज शिफ्ट हुआ है। एज हमास, द मिलिटेंट ग्रुप रूलिंग द गाजा स्ट्रिप, माउंटेड वन ऑफ द मोस्ट ऑडेशियस अटैक ऑन इसराइल। मेनी अदर कॉल्ड इट द वर्स्ट इनसाइड द ज्यूइश स्टेट्स टेरिटरी सिंस द क्रिएशन इन 1948। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस शॉक एट वॉट ही कॉल्ड टेररिस्ट अटैक एंड कन्वेड सॉलिडेरिटी विद इसराइल। वाइल द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज येट टू कम आउट विद द ऑफिशियल स्टेटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर वर्ड्स हैव बीन सेड साइडिंग विद इसराइल। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स आप देख लीजिए, इसराइल के फेवर में है। द हॉरिफाइंग विजुअल ऑफ सिविलियन बींग टॉर्चर्ड एंड किलिंग नॉट एज कोलेट्रल डैमेज बट एज अ टारगेट हैव शॉक्ड मैनी। तो एक होता है कोलेट्रल डैमेज, की लड़ाई चल रहा है, बीच में कोई मर गया तो वो कोलेट्रल डैमेज हो गया, पर यहाँ पे तो टारगेट ही इन लोगों को बनाया जा रहा है। तो वो बहुत शॉकिंग था कि कैसे सिविलियंस को लेकर जा रहे हैं। न्यू दिल्ली हैज नेवर कंडोन्ड हमास एक्शन, बट द आर्क ऑफ इंडिया टाई विद इसराइल एंड पैलेस्टीन हैज बीन अ रोलर कोस्टर ओवर द पास्ट 7 decades। तो मतलब 70 सालों में रोलर कोस्टर रहा है ये। इन द ईयर पोस्ट इंडिपेंडेंस, India's political attitude towards Israel was set quite firmly shortly after independence in 1947, when Jawaharlal Nehru and Mahatma Gandhi vowed to support the Palestinian cause as they rejected the idea of two nation on the basis of religion. तो आप देखिए, उन्होंने सपोर्ट किया था पैलेस्टीन को। While they had sympathy for the Jewish, पर उन लोगों को सिंपैथी भी था किसके लिए, जूस के लिए। और ये इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या थी, जवाहरलाल नेहरू की और गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी, क्योंकि वो रिलीजन के बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, उनको दो नेशन नहीं चाहिए था जो इंडिया में हो गया। तो वो उस चीज को फेवर नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने इसको सपोर्ट किया था पैलेस्टीनियंस को। बोथ वर ऑफ द व्यू दैट एनी स्टेट बेस्ड ऑन रिलीजियस एक्सक्लूसिविटी कुड नॉट सस्टेन ऑन मोरल और पॉलिटिकल ग्राउंड्स। दिस वॉज इन सिंक विद देयर अपोजिशन टू पार्टीशन इन ऑफ इंडिया। तो देखिए, पार्टीशन ऑफ इंडिया के वजह से ही उनको, उनका ये आइडियोलॉजी था, और उनके अपोजिशन के बाद भी पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया। तो आप देखिए, हम तो नहीं चाह रहे थे, हम आज भी ग्रो कर रहे हैं। और जहाँ पे आप देखिए कितनी अच्छी बात है, ये होता है, ये एक होता है विजनरी आदमी। जवाहरलाल नेहरू हो गए, गांधी जी हो गए, देखिए क्रिटिसिज्म सबका अलग है, पर उस समय उनकी जो पॉलिसी है, क्या सही है क्या गलत है, उसे हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो आप देखिए, वो साफ बोल रहे हैं कि रिलीजन के ऊपर कोई नेशन नहीं बिल्ट होना चाहिए, नहीं तो आप देखिए वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, मोरली भी और पॉलिटिकली भी। क्या आपका पाकिस्तान सस्टेन कर पा रहा है? ये लोग जब से पैदा हुए हैं तब से कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। तो इसीलिए ये आइडियोलॉजी हमें दिखती है कितनी सही है। इंडियाज पोजिशन विद रिगार्ड टू पैलेस्टीन वॉज ऑल्सो गाइडेड बाय द जनरल कंसेंसस इन द अरब वर्ल्ड। तो अरब वर्ल्ड में भी जनरल कंसेंसस था, और इंडिया का पोजीशन फिर इसलिए पैलेस्टीन के ऊपर उसके रिगार्डिंग गाइड हुआ, द नॉन अलाइंग मूवमेंट एंड द यूएस नेशन। व्हेन द पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन प्लान वाज पुट टू वोट इन यूएन, जब ये इसका वोट होने लगा था यूनाइटेड नेशन में, इंडिया वोटेड अगेंस्ट अलोंग विद द अरब कंट्रीज। व्हेन इसराइल अप्लाइड फॉर एडमिशन टू द यूएन, इंडिया अगेन वोटेड अगेंस्ट। न्यू दिल्ली हाउएवर रिकॉग्नाइज्ड इसराइल ऑन सितंबर 17, 1950। आफ्टर द टू मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज टर्की एंड ईरान डिड सो। तो जब दो लोग, ये टर्की और ईरान, कर दिए, तब इंडिया ने 1950 में इसराइल को रिकॉग्नाइज किया। इन 1953 इसराइल वॉज अलाउड टू ओपन अ कॉन्सुलेट इन मुंबई, बट नॉट डिप्लोमेटिक प्रेजेंस वॉज ग्रांटेड इन न्यू दिल्ली। तो उस समय कॉन्सुलेट्स ओपन होने की बात हो गई थी मुंबई में, पर दिल्ली में इनका कोई एम्बेसी, अभी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस नहीं हुआ था। इन द लेट 1960s एंड अर्ली 70s विद द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO इमर्जिंग एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पैलेस्टीन अंडर यासिर अराफात, इंडिया डेवलप्ड एंगेजमेंट विद द लार्जेस्ट पॉलिटिकल ग्रुपिंग अंडर PLO अल फतह।
ऑन जनवरी 10, 1975 इंडिया रिकॉग्नाइज्ड पीएलओ एज द सोल एंड लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल एंड परमिटेड इट एन इंडिपेंडेंट ऑफिस इन न्यू दिल्ली। तो आप देखिए 1975 में इंडिया ने पीएलओ को रिकॉग्नाइज कर दिया और उसको बोल दिया कि आप दिल्ली में अपना डिप्लोमेटिक प्रेजेंस ले आइए। वाइल इंडिया वॉज वन ऑफ द लास्ट नॉन मुस्लिम स्टेट टू रिकॉग्नाइज इसराइल, इट बिकेम द फर्स्ट नॉन अरब वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज पीएलओ। तो इसमें आप देखिए इंडिया का थोड़ा झुकाव हम लोग को पैलेस्टीन की तरफ दिख रहा है। अंडर इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी, इन 1980 व्हेन इंदिरा गांधी रिटर्न टू पावर विद थम्पिंग मेजोरिटी शी कंटिन्यूड हर सपोर्ट टू पैलेस्टीनियन स्ट्रगल। इंडिया अपग्रेडेड द पीएलओ ऑफिस टू डेट ऑफ एन एम्बेसी इंडाउड विद ऑल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एंड प्रिविलेजेस। अब देखिए इंदिरा गांधी ने भी सपोर्ट किया है आपके पैलेस्टीनियंस को। अराफत बिकेम द फ्रिक्वेंट विजिटर टू दिल्ली थ्रू थ्रू द अर्ली 80s एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पैलेस्टीन स्ट्रेंथन। इन मार्च 1983 व्हेन द एनएम समिट टुक प्लेस इन इंडिया, नॉन अलाइनमेंट समिट टुक प्लेस इन इंडिया, इट केम अप विद अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ सॉलिडेरिटी फॉर पैलेस्टीन। इन अप्रैल 1984 पीएम इंदिरा गांधी विजिटेड अराफत हेडक्वार्टर इन टूनिस। टूनिस कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका, अरे साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, अफ्रीका में है। इसका कैपिटल क्या है? टूनिसिया। इसके नेबरिंग कंट्रीज क्या है? आपको पता होने चाहिए। आफ्टर ए स्टेट विजिट टू लीबिया, लीबिया के बगल में ही टूनिस है और उस वहाँ पे फिर यहाँ पे पहले ये स्टेट विजिट की लीबिया। लीबिया का कैपिटल क्या है? ट्राइपोली। टूनिस का क्या है? टूनिसिया। तो ये छोटा सा कंट्री है लीबिया के बगल में, लीबिया के आप देखिए नॉर्थ वेस्ट में है। व्हेन शी वॉज असैसिनेटेड 6 months लेटर, तो इसके 6 महीने बाद ही इंदिरा गांधी को मार दिया गया। अराफत अटेंडेड द फ्यूनरल एंड वेप्ट इन पब्लिक, तो ये भाई इन लोगों के सपोर्ट वो लोग आके रोए। राजीव गांधी कंटिन्यूड विद इंडियन अप्रोच टूवर्ड्स पैलेस्टीन एंड थ्रू आउट द आउटब्रेक ऑफ द पैलेस्टीनियन अपराइजिंग इन दिसंबर 1987 इन गाजा एंड वेस्ट बैंक ड्यू टू आयरन फिस्ट पॉलिसी ऑफ इसराइल, इंडिया मेंटेन इन ए स्टीड फास्ट सपोर्ट। तो इंडिया देखिए राजीव गांधी के टाइम भी, इंदिरा गांधी के टाइम में, तो दोनों किसको सपोर्ट कर रहे थे? पैलेस्टीन को, पीएलओ को। अब देखिए ग्राउंड शिफ्ट क्या है। हाउ एवर बाई दिस टाइम देर वर क्रिटिक्स इन न्यू दिल्ली पैलेस्टीन पॉलिसी एंड इट एंड इट आउट राइट सपोर्ट टू अरब वुड रिमेन विद इन इंडिया। द अरब कंट्रीज न्यूट्रल पोजिशन ड्यूरिंग द 1962 इंडिया चाइना वॉर एंड देर सपोर्ट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग 1965 एंड 1971 वॉर डिड नॉट डाउन वेल विथ मैनी इंक्लूडिंग द बीजेपी। ऑन द अदर हैंड इसराइल हेल्प्ड इंडिया विथ आर्म्स एंड अम्यूनेशन इन 1962 एंड 1965 वॉर। तो आप देखिए हम लोग किसको सपोर्ट कर रहे थे? पैलेस्टीन को कर रहे थे, वहाँ पे अरब वर्ल्ड उसको सपोर्ट कर रहा था। पर हमारी जब लड़ाई हुई तो तुम हमें सपोर्ट नहीं करोगे, तो तुम और हमें सपोर्ट किसने किया? इसराइल ने किया। इसीलिए अब चीज़ें चेंज हो गई। देखिए थिंग्स चेंज इन वेस्ट एशिया व्हेन इराक इन्वेडेड कुवैत इन अगस्त 1919। द पीएलओ लॉस्ट इट्स पॉलिटिकल लेवरेज ऑन अकाउंट्स ऑफ इट्स सपोर्ट टू सद्दाम हुसैन। अराउंड दैट टाइम द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड एंड दिस प्रॉम्प्टेड इंडिया टू मेक ड्रास्टिक चेंज इन पॉलिसी टूवर्ड वेस्ट एशिया। इट एस्टैब्लिश्ड फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल इन जनवरी 1992, डेज आफ्टर द चाइनीज एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद तेल अवीव। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर वीकेंड द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड रिड्यूस द आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स इसराइल। द इमरजेंस ऑफ बीजेपी एज अ पावरफुल फोर्स इन इंडिया इंडियन पॉलिटिक्स इन अर्ली 1990s ऑल्सो रिमूव्ड सम हेजिटेशन अबाउट इसराइल। ऑन जनवरी 19, 1992 पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट अराफत पेड एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। ड्यूरिंग हिज मीटिंग अप विद प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ही वॉज टोल्ड दैट इंडियाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल वुड बी हेल्पफुल फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज। न्यू दिल्ली ही वॉज टोल्ड कुड एग्जर्ट इन्फ्लुएंस ऑन इसराइल ओनली इफ इट हैड एम्बेसडर इन टेल अवीव। अफराद कमन बोर्ड आफ्टर द बायलेटरल कन्वर्सेशन विथ राव ऑफ अराफत इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली सेड एक्सचेंजेस ऑफ एम्बेसडर्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ इसराइल आर एक्ट ऑफ सॉवरेनिटी इन विच
इन विच आई कैन नॉट इंटरफेयर, आई रिस्पेक्ट एनी चॉइस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो ये आया, हमने उसको समझाया, वो मान गया और हमारी डिसीजन को रिस्पेक्ट करके चला गया। मिलिट्री टाइज एंड कारगिल वॉर। अब आप देखिए क्या मिलिट्री टाइज है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फुल डिप्लोमेटिक टाइज विद इसराइल केम इन स्पेशली हैंडी ड्यूरिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इन 1999। द इंडियन एयरफोर्स डेस्परेटली नीड प्रिसीजन टारगेट बॉम्ब्स एज पाकिस्तान इंट्रूडर्स वर हाइडिंग इन केव्स एंड बंकर्स एट टॉप माउंटेन्स इन कारगिल। द इंडियन एयरफोर्स रीच आउट टू द इसराइल काउंटर पार्ट हु वेस्टेड नो टाइम। दे आर अंडरस्टूड टू हैव डग इन टू देयर एमरजेंसी स्टॉक पाइल्स एंड शिप द वेपन टू इंडिया विच प्रूव टू बी डिसिसिव इन द आवर ऑफ नीड। आफ्टर दिस द वाजपेयी गवर्नमेंट सेंट फॉरन मिनिस्टर जसवंत सिंह फॉर द फर्स्ट बायलेटरल विजिट इन 2000। होम मिनिस्टर एल के अडवाणी विजिटेड इसराइल इन समर ऑफ 2000 फॉलोड बाय मोर हाई प्रोफाइल विजिट्स। तो आप देखिए यहाँ पे कारगिल वॉर में इसराइल ने हमें हेल्प किया, उसके बाद हमारे टाइज कैसे और स्ट्रेंथन होते गए। आफ्टर मोदी केम टू पावर देर हैज़ बीन मच मोर विजिबिलिटी टू द रिलेशनशिप। ड्यूरिंग मोदी विजिट टू इसराइल इन 2017 द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर विजिट ही स्किप द कस्टमरी स्टॉप एट पैलेस्टीन विच वॉज द नॉर्म विथ प्रीवियस मिनिस्ट्रियल विजिट। तो पहले लोग पैलेस्टीन में स्टॉप करते थे पर ऐसा इन्होंने नहीं किया, ये डायरेक्ट गए अपना यहाँ पर पहला प्राइम मिनिस्टर विजिट बनाया इसराइल को। द मोदी गवर्नमेंट हाउ एवर हैड बीन क्वाइट केयरफुल अबाउट सेटिंग अप दिस विजिट। साउथ ब्लॉक मेड श्योर दैट द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड सऊदी अरेबिया, ईरान, कतार, यूएई, ऑल रीजनल राइवल्स ऑफ इसराइल बिटवीन 2014 एंड 2017 बिफोर अ ट्रिप टू इसराइल। न्यू दिल्ली होस्टेड पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास इन मे 2017। तो उनको इन्होंने यहाँ पे बुलाया था। इन ऑल पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स साउथ ब्लॉक ऑफिशियल मेंटेन इंडियाज पोजीशन ऑन इट्स सपोर्ट टुवर्ड्स द पैलेस्टीनियन कॉज। मोदी लेटर विजिटेड पैलेस्टीन इन फेबर 2018 बट डिडंट विजिट इसराइल अचीविंग अ कंप्लीट डीहाइफनेशन ऑफ टाइज। अब देखिए डीहाइफनेशन ऑफ टाइज क्या हो गया, दो कंट्रीज है ए और बी, मानिए ए और बी और यहाँ पे इंडिया है, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है उससे हमारा रिलेशन डिफाइन नहीं होगा ए से या बी से। ए बी दोस्त है तब भी हम दोस्त रहेंगे, ए बी दुश्मन है तब भी हम दोनों से दोस्त रहेंगे, या ए बी मानिए ए बी मतलब कोई भी चीज़ हो, हमारा ए से अपना सेपरेट नेगोशिएशन है, बी से सेपरेट नेगोशिएशन और रिलेशन है। तो इन दोनों के बीच क्या इक्वेशन है उससे हमें नहीं मतलब, हम अपना एक दूसरे से इक्वलिटी पे रखेंगे, जैसा जो हमारे साथ बिहेव करेगा हम उसके साथ बिहेव करेंगे, यही हो गया डिहाइफनेशन ऑफ द टाइज। जैसे यूएसए करता है, यूएस करता है पाकिस्तान और इंडिया के साथ, वो दोनों के साथ टाइज रखता है और हम दोनों के मैटर को वो आपस में वहाँ पे उलझने नहीं देता, उसका टाइज दोनों के साथ है। तो ये हो गया आपका डिहाइफनेशन ऑफ द टाइज। इन द पास्ट डेकेड, देखिए इन द पास्ट डेकेड पिछले 10 साल में क्या हुआ। इन द लास्ट डेकेड और सो टाइज हैव डीपेंड इन सिक्योरिटी, डिफेंस एंड कनेक्टिविटी विद इसराइल बट ऑल्सो विद पार्टनर इन वेस्ट एशिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कतार, ईरान। द इंडियन स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंगेज विद ऑल साइड्स इन द कॉम्प्लेक्स वेस्ट एशियन रीजन इज बॉर्न आउट ऑफ नेसेसिटीज इन 90 लाख स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी इन द रीजन एंड कनेक्टिविटी टू वेस्ट एशिया एंड यूरोप। क्रूशली मोर देन 50% ऑफ इंडियाज एनर्जी इम्पोर्ट्स आर सोर्स फ्रॉम वेस्ट एशिया। तो ये अरब वर्ल्ड से हो रहे हैं। The spate of horrifying surprise attack over the weekend put India in a diplomatic tight spot. This is because the current hostility tests the Abraham Accord and the efforts towards rapprochement between Saudi Arabia and Israel, which held the promise of reshaping age-old fault lines in the Middle East. India was hoping to reap the dividend of the newfound peace in the region. तो आप देखिए सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में जो टाइज हो रहे थे अभी हमारे कॉरिडोर को लेके, यूएस वहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड के रिकॉर्डिंग जैसे दोनों में दोस्ती करवा रहा था, तो इंडिया को उसका फ़ायदा होने वाला था, पर इंडिया आप देखिए कैसे डीहाइफनेट करके और चीज़ों को मेंटेन करके अपने लिए इक्वालिटी पर रखता है। तो अब देखते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। सबसे पहले तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है लोकेशन, इसराइल, पैलेस्टीन, सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई, ईरान, इराक, ये सारे लोकेशन हमारे लिए
मतलब जो वेस्ट एशिया प्लस सेंट्रल एशिया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनमें क्या चाहिए हमें? लोकेशन। आप देखिए, हमें हिस्ट्री में, अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम किसके तरफ थे? चलिए, ये तो एक तरफ है, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख ही देता हूँ। सबसे पहले हम लोग किसके फेवर में थे? इसराइल के, नहीं नहीं पैलेस्टीन के, ठीक है, हम लोग पैलेस्टीन के फेवर में थे। सेकेंड, हमारा वॉर हो गया पाकिस्तान के साथ प्लस चाइना के साथ, हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट हमें नहीं मिली। कहाँ से? अरब वर्ल्ड से, अरब वर्ल्ड कह लो या वेस्ट एशिया कह लो, हमें सपोर्ट नहीं मिला। फोर्थ, तब हमने रिकॉग्नाइज किया इसराइल को। फिफ्थ, आप देखिए, जब ये नहीं हुआ तो इसके बाद हमारे मन में काफ़ी चीज़ें खराब हो गई, तो हमने इसराइल को डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज भी कर लिया और उसको यहाँ पे हमने जगह भी दे दी अपने एम्बेसी के लिए। अब उसके बाद आप देखिए, हमारे पास कारगिल हुआ, कारगिल हुआ, सपोर्ट ऑफ इसराइल वी गेन्ड, सपोर्ट ऑफ इसराइल हमें मिला, और कहाँ से? अरब वर्ल्ड से कुछ नहीं मिला। तो हम, हमारे जो टाइज है वो किसके साथ बढ़ गए? इसराइल के साथ। आप देखिए यहाँ पे कैसे डिप्लोमेटिकली हमारे और उसके साथ मिलिट्री टाइज बढ़ गए। तो उसके बाद क्या हुआ, हम इसराइल की तरफ ज़्यादा चले गए। तो बस यही था एक पॉइंट जहाँ पे इसराइल ने हमें हेल्प की। तो इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट तो सबसे ऊपर रहता ही है, आज से नहीं पहले से ही, जो इंडिया की हेल्प करेगा इंडिया उसकी हेल्प करेगा। पैलेस्टीन को दो हम लोग रिकॉग्नाइज करते थे, पर ऐसा अब अभी भी कर रहे हैं, पर हमारा सपोर्ट इसराइल के साथ है। और जहाँ पे बात रही, ऐसा यहाँ पे आप देखिए, हमने एक वो देखा था कैसे जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी, यहाँ पे उनकी हमने थॉट प्रोसेस देखी थी। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, उन्होंने सपोर्ट करने को बोला था पेलेस्टीन को, पर वो इस चीज़ को रिजेक्ट भी करते थे, रिलीजन रिलीजन एज बेसिस ऑफ कंट्री नॉट सस्टेन। कैसे? यहाँ पे मोरली भी नहीं होगा सस्टेन और पॉलिटिकली भी नहीं होगा। देखिए, मोरली क्यों नहीं होगा? अगर मेरा रिलीजन ही कुछ है तो क्या मैं दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करूँगा? स्टेट ऑपरेशन होगा, इसलिए मोरली नहीं होगा, पॉलिटिकली नहीं होगा। कोई आएगा लोगों को रेडिकलाइज करके वो पावर को लेगा। सेम चीज़ हम लोग देख रहे हैं आज कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो अपने पार्टीशन तो हो गए, पर ये चीज़ वर्ल्ड में बता रहे थे ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये एक चीज़ हमें ध्यान रखनी